विज्ञान जगत में कई बार एक खोज का महत्व उस समय उतना नहीं दिखता जब वह खोज की जाती है। वहीं कुछ खोज अपने आप में ही कुछ खास नहीं दिखती, लेकिन बाद में उसके आयाम खुलने पर ही वह खोज बहुत बड़ी बन जाती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जब भी नाम लिया जाता है तो कई बड़ी खोजें और वैज्ञानिक उपलब्धियों का नाम याद आता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर हमारे प्रभात प्रकाशन की ओर से नोबेल पुरस्कृत डॉक्टर हरगोविंद खुराना नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के रायपुर गांव में हुआ था। वे अपने गांव के एकमात्र पढ़े लिखे परिवार से आते थे। उनके पिता गणपत राय खुराना ब्रिटिश प्रशासन में एक क्लर्क हुआ करते थे। 5 भाई बहनों में खुराना सबसे छोटे थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। जब खुराना 12 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। ऐसी परिस्थिति में उनके बड़े भाई ने उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा संभाला। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय डीएवी हाई स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में वर्ष 1945 में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान उन्हें भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजर जे एस बियर की देखरेख में अनुसंधान किया और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद उन्हें एक बार फिर ज्यूरिख के फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर वी प्लैक के साथ शोध कार्य करने का मौका मिला। वहाँ से वे वर्ष 1951 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने अलेक्जेंडर टर्ट के साथ न्यूक्लियर एसिड पर शोध करना शुरू कर दिया। स्विट्जरलैंड के स्विस फेडलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के दौरान उनकी मुलाकात एस्थर एलिजाबेथ सिबलर से हुई, जिनसे उन्होंने 1952 में शादी कर ली। वर्ष 1952 में खुराना ब्रिटिश कोलंबिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए कनाडा चले गए। वहाँ विश्वविद्यालय के सहयोग से उनका कार्य सही मायने में आकार लेने लगा था। वहाँ उन्हें एक बाहर कार्य करने की आजादी मिली जिसे वे करना चाहते थे। उन्होंने फास्फेट एस्टर और न्यूक्लियर एसिड में अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया, मगर 1960 में वे एंजाइमा अनुसंधान के लिए विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए और फिर वहीं बस गए। वहाँ रहते हुए उन्हें वहाँ की नागरिकता भी मिल गई। यहाँ उन्होंने जीन की डिकोडिंग और प्रोटीन संश्लेषण पर उल्लेखनीय कार्य किया। वर्ष 1972 में डॉक्टर खुराना ने विश्व के पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया। उनके योगदान ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का मार्ग प्रस्त किया। खुराना के कार्य को आज भी अनुवांशिक के क्षेत्र में अनुसंधान के आधार के रूप में देखा जाता है। नोबेल पुरस्कार के अलावा वे उन्हें बहुत से सम्मान मिले, जिसमें डैनी हैनमैन अवार्ड, लास्कर फेडरेशन पुरस्कार, लूसिया ग्रास हार्वेस्ट पुरस्कार आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के जीवन से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित नोबेल पुरस्कृत डॉक्टर हरगोविंद खुराना नामक पुस्तक की मदद ले सकते हैं। इस पुस्तक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।